हेलो मेरी, किधर हो तुम? मैं रास्ते में हूँ, हाफ एन आवर में पहुंचूंगा। जल्दी आओ, चल जाना है। हाँ पहुंचता हूँ। गिराकर चले गए सर। रुकिए, मैनेजर कॉल कर रहा है। हेलो, तुम जल्दी से ऑफिस पहुंचो।
ये घड़ी कैसे रुक गई? क्या हुआ माया, तू डर क्यों गई? नहीं कुछ नहीं हुआ। तू हमेशा डरी हुई क्यों रहती है? मेरे अलावा कौन होगा? अच्छा ठीक है, वैसे मुझे एक हेल्प चाहिए। हाँ बोल। इस पैकेज को इस एड्रेस पे डिलीवर करना है। मैं कैसे डिलीवर कर सकती हूँ? प्लीज डियर, मैं घर जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, कितने बजे जाना है बताओ। 10 बजे तक कर दोगी तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर। थैंक यू, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ हे, संभल कर जाना। चलो मैं खाना लगा देती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? मुझे कुछ नहीं खाना।
सुनो, क्या बात है? हाँ? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। कल मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ बताओ? घर वापस आते वक्त कल ये क्या कह रहे हो? उतर कर मैंने देखा उसकी सांसें बंद थी, खून ही खून फैला था। समझ नहीं आया कि क्या करूं, मैं वहां से भाग निकला। हेलो। गुड मॉर्निंग माया। गुड मॉर्निंग दी, पहुंच गई? हाँ बिल्कुल ठीक से पहुंच गई। अच्छा सुन, वो कुरियर शाम तक पहुंचा देना, ठीक है? पहुंचा दूंगी। बैग में डॉल किसकी है? वो बताना भूल गई, वो मैं अप्पू के लिए लेकर आई थी। डॉल बहुत क्यूट है ना? हे, बहुत क्यूट है, सच में क्यूट है। है ना? अच्छा अप्पू को कब लेकर आएगी? कुरियर डिलीवर करने के बाद उसे लेने जाऊंगी। ठीक है। ओके डी, बाय। दुबे जी अब हो गए तैयार, डार्लिंग के पास जाने को यार। टर टर टर। क्या है आज सुबह सुबह इतना चहक रहा है? सर जरा सोच कर देखिए, अगर हम ड्यूटी पर होते तो ऐसे डांस कर पाते का? ला 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 ला। अबे ओए, बाइक बाहर निकाल। ठीक है, जल्दी जाना है। अकेले क्यों खड़ी हो? चोर निकल के भागा। तुमसे मतलब? नहीं, वो मैं असल में रास्ता भटक गई हूँ। यहाँ से सीधी चली जाओ। एक्सक्यूज मी मैम, B204 यही है ना? वो ऊपर थर्ड फ्लोर पर है। थैंक यू मैम। वेलकम। मम्मी। बेटी चलो अब चलते हैं। ये आपकी बेटी है? हाँ। मैम आपके ट्विन्स हैं क्या? नहीं, ये क्यों पूछ रही हो? नहीं वो ऐसे ही पूछा बस। ओके बाय। चलो बेटा। चलिए मम्मी।
सर, एक्सक्यूज मी सर, कुरियर सर, केस हाथ नहीं लगा। एसपी साहब आ गए। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या चल रहा है वो केस के सिलसिले? बस एक हफ्ता बचा है, याद है ना, अपना काम जल्दी खत्म करके आना, समझे सर। अरे अरे सॉरी सर, वो देखिए मैडम गिर गई, जल्दी भाई। आप रुकिए, ए सुन बाइक उठा। थैंक यू सर। आप भी थोड़ा ध्यान से चलाया करो। उठा, हाथ में क्या है? जेब में रख, दोनों हाथ लगा, जल्दी उठा। अरे यार चल उठा। आइए बैठिए मैडम, ध्यान से चलाना, जाइए। ओ मैडम जरा संभाल के। सर क्या है? लगता है वो मैडम का पेपर यहाँ गिर गया है सर, देखिए। ये तो कुरियर पेपर है, मुझे अब बता रहा है तू? हाँ ये तो कुरियर पेपर है, पर वो तो चली गई। लगता है वो किसी बात से घबराई हुई थी। वो लास्ट इस पते पे गई थी, जरूर यहीं कोई गड़बड़ हुई होगी। हम लोग वहाँ चल के एक बार चेक करें का सर? चल चेक करते हैं, तू बाइक स्टार्ट कर। अरे कौन मुसीबत में फंस गए यार चौबे जी के चक्कर में। अरे बाइक क्यों रोक दी, चलना जल्दी से। अभी टाइम क्या हुआ? टाइम टाइम जानकर क्या करना है, अजीब आदमी है। 4:30 बजे हैं सर। 4:30 का आंकड़ा राहु का होता है, अभी अपना काम नहीं बनेगा। पुलिस वाला होके ग्रह नक्षत्र मानता है सर? बात तो सुनिए, अभी का मुहूर्त अच्छा नहीं है। ओह निकलते ही मनहूस बात कर दी, चल छोड़ अब घर चलते हैं, जल्दी चल। Hmm.
सर ये देखिए यही वाला फ्लैट है। जा बेल तो बजा। क्या बात है, इधर क्या देख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? सर हम लोग पुलिस वाले हैं। पुलिस हो? हाँ सर पुलिस वाले। आईडी दिखाओ। ये देखिए सर। पुलिस हो तो क्या हुआ? हाँ हमारे सारे फ्लैट ओनर्स की एसोसिएशन है यहाँ। उस एसोसिएशन में आपको एप्लीकेशन देके पहले प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, आप जैसा कहें। बेवकूफ, इंक्वायरी का मतलब नहीं पता है, प्रॉपर प्रॉपर की रट लगा रखी है। हेलो, वो तो मान ही नहीं रहा मामा। अच्छा मैं रात में आकर देखता हूँ, ठीक है? फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है मामा। होशियारी कर रहा था एसोसिएशन वाला। आइए सर चलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उनको नियम सिखाने। फादर का लेटर दिखाना। हाँ ये रहा। उन्होंने अडॉप्शन के बारे में सब बता दिया है, अब सब ठीक ठाक हो रहा है और साथ ही ऑर्फनेज का पता भी है। सुनो एक बार फादर को फोन करके उनसे बात कर लो। हेलो
हेलो फादर, जोसेफ बोल रहा हूँ। हाँ जोसेफ, हाउ आर यू माय सन, बताओ। अभी मैंने आपका लेटर पढ़ा फादर। इस बच्ची को गॉड की ब्लेसिंग मानकर हम बहुत लाड प्यार से पालेंगे। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे फादर। गॉड ब्लेस यू माय सन। बोलिए फादर। एक काम करो, तुम अप्पू को लेकर ऑर्फनेज आ जाओ। अप्पू को अडॉप्ट करने के लिए जोसेफ और उसकी वाइफ आ रहे हैं। मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, बस तुम्हें अप्पू को उन्हें सौंप देना है। नहीं फादर, अप्पू को मैं अच्छे से पाल सकती हूँ, उसका ख्याल रखूंगी मैं। नहीं माया, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम्हारी भी अपनी लाइफ है। और इसके अलावा अप्पू को भी बहुत अच्छे पेरेंट्स मिल रहे हैं। बात को समझो माय चाइल्ड। ठीक है फादर, मैं पहुंच जाऊंगी। सुनो। क्या हुआ तुम्हें? वो बात दिमाग से निकल ही नहीं रही है। कल हमारे घर बच्चा आने वाला है, हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलो पहले ये कॉफी पी लो। डी, ये कहाँ चली गई? दिव्या, कमाल करती है ये भी। दिव्या, दिव्या, हाँ यहाँ है। तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ पागलों जैसी क्यों बैठी हुई है? इसीलिए तुझे कोई बात नहीं बताती हूँ मैं। अब चल यहाँ से। चल अब सो जा। डॉल, मेरी डॉल। डॉल चाहिए? उसे मैं ले आती हूँ, तू अब सो जा।
ये ले तेरी डॉल। ए दिव्या, जल्दी से उठना, अप्पू यहाँ नहीं है। क्या अप्पू नहीं है? हाँ, कहाँ गया होगा? यहाँ भी नहीं है। ये रो कौन रहा है? अप्पू, अप्पू रो मत, तू यहाँ पर से अंदर लेकर चल। नहीं, रो मत, चुप हो जा, शांत हो जा, बस। क्या सर, आप भी ना, हमारा सपना ही तोड़ दिए। हम अपनी डार्लिंग के साथ मनाली में थे। यहाँ नौकरी इज्जत दोनों खतरे में है और तू डार्लिंग के साथ मनाली की सैर कर रहा है? सिर्फ 3 दिन बचे हैं, ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है, हमें एक केस भी खोजना है, याद है ना? दिव्या के ऑफिस जाके उसकी डिटेल्स भी लेनी है, चल जल्दी उठ जा। फ्रेंड से मिलने चले, बहुत मजा आएगा। बस, माया तो नीचे वेट कर, मैं बस अभी आई। हाँ जल्दी कर। ये तो डॉल है। सर जरा रुकिए, इस बैग में अप्पू की फेवरेट डॉल है, लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हे ईश्वर, ये बच्चा देखकर आपने हम पर कृपा कर दी है, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना और हमारी जिंदगी खुशियों से भर देना, आमीन। बाबू, प्यारा बाबू, क्या हुआ? हाँ, अरे, अच्छा सुनो। हा? उस बैग में बाबू की डॉल है ना, जरा देना तो। प्यारा बाबू, तुम्हें डॉल चाहिए?
तुम्हें वो डॉल बहुत पसंद है क्या? अच्छा, वो क्या करती है? तुमको देखती रहती है। डॉल आ रही है, हम डॉल से खेलेंगे, उसके साथ डांस करेंगे, गाना गाएंगे, सर एक मिनट, शॉपिंग जाएंगे, है ना? फिर गार्डन में जाएंगे, गार्डन में जाके झूले पे खेलेंगे। माया, रोने की क्या बात है इसमें? देख तो इतनी टैलेंटेड और ग्रेजुएट होने के बाद भी स्ट्रगल कर रही है। उसे पैसे वाले पेरेंट्स मिले हैं जो अच्छा है, उसे अच्छी एजुकेशन देंगे, वो अच्छी लाइफ जिएगा। तुझे ये सोचकर खुश होना चाहिए। इसी बात की तो खुशी है मुझे बस, पर उसके बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैठो, अब चलते हैं। सर, 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 हाँ? सर, एक खास न्यूज है सर। क्या हुआ? तेरी डार्लिंग भाग गई क्या? सर, हम दोनों लव बर्ड्स हैं, ऐसी अशुभ बात मत कीजिए। हाँ, तू और लव बर्ड, उसके नाम पे बड़ा धब्बा है। उस बात छोड़िए सर, कल जब हम लोग उस फ्लैट पर गए थे तो वो एसोसिएशन मेंबर फोन पर बात कर रहा था, याद है? अगर कल रात वो अपने गाँव चला गया होगा तो हम लोग कल सुबह वहाँ चलकर पूछताछ कर सकते हैं ना। क्या बोल रहा है तू? हाँ सर, यही मौका है, मेरी बात मानिए। क्यों, कल क्यों जाएं हम लोग, तब तक वो लौट आया तो? चल अभी चलते हैं, तू तैयार हो जा। आईडिया देकर मैं ही फंस गया यार, अब देर मत करते हैं। गाड़ी रोकना ना, दो मिनट, बाबू ने उल्टी कर दी है, उसके कपड़े बदल देती हूँ। बस 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 बस, कपड़े पीछे उस बैग में रखे हैं, उसमें से निकाल। दो मिनट बाबू, दो मिनट। मेरा बाबू यहाँ सीट पर आराम से निनी करेगा, ठीक है? हम जल्दी से घर पहुँच जाएंगे। चौबे सर, एक असर, रात को दरवाजा खुला है। बोल, तू ऊपर जाके देख। कहा, हम अकेले जाएं? तू जल्दी जाना, जा। मरवाएंगे कहा सर? हमको ही बलि का बकरा बना रहे हैं। चल बेटा दुबे, लगता है तू कुआरा ही मरेगा।
हाँ? ये का है? हुँ? अच्छा कद्दू रखा है। हाँ? आ रहा हूँ नीलम क्या सर, बोलो सर सर वहाँ छत पर बड़ी बड़ी आंखों वाला कद्दू रखा है सर मैंने खुद देखा सर लगता है वहाँ भूत है सर। तू बौरा गया है का? मेरा विश्वास कीजिए सर मैं सच कह रहा हूँ। अरे नजर ना लगे इसलिए रखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है सर वहाँ पर भूत है आइए दिखाता हूँ आपको। छोड़ दे सब फ्लैट में देखते हैं। सुनिए सर अरे डर मत मानिए सर छत पर कद्दू नाच रहा है। चल तू पहले मेरे साथ अंदर चल मैं हूं ना डरता क्यों है। मेरी बात सुनिए सर मुझे कुंवारा नहीं मानना सर मुझे शादी करनी है। तू शोर मत मचा मरवा कर ही दम लेगा। हे बजरंगबली मेरी रक्षा करना। सर ये क्या सर फर्श पर सबूत खोज रहे हैं कि डांस कर रहे हैं सर। उठिए सर उठिए 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 उठ जाइए सर। ये दरवाजा अपने आप बंद क्यों हो गया सर मुझे डर लग रहा है। हम तहकीकात करने आए हैं और तू डर रहा है। चुप कर मेरी बात मानिए सर यहाँ पर भूत है सर। ये भूतों की कहानी मुझे मत सुना। पुलिस वाला होके भूतों से डरता है जा अंदर देख। सर 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 देखिए वहाँ देखिए सर फोटो पर कुल्हाड़ी गड़ी है और यहाँ फर्श पर पंखा पड़ा हुआ है। सुन ये सारे एविडेंस है किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। दुबे तू अंदर जाके देख। ओके जल्दी जा। ये तो दुबे का फोन है। दुबे दुबे कहाँ है तू? ओए, यहाँ भी खाने बैठ गया? आप भी खाएंगे सर? बुखार तुझे हमेशा खाने की पड़ी रहती है। हम यहाँ खाने आए हैं चलो जल्दी। चैन से खाने भी नहीं देते। सर मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं रहता। हम लोग बेकार में ही आ गए हैं। घर पर आराम से चद्दर तान कर सोते ना सर। सुन अंदर से आवाज आ रही है तू जरा जाके देख। सर आप मुझे ही बलि का बकरा क्यों बनाते हैं? ओए चल जा। आलतू जलालतू आई बला को टालतू आलतू जलालतू आई बला को टालतू। सर वहाँ पर पॉपकॉर्न अपने आप उछल रहे हैं वहाँ पर। अबे बकवास मत कर तुझे पुलिस ने किसने भर्ती कर लिया? अबे तू कितना डरता है? चल चल चुपचाप।
अरे बेटी तू जाग गई, हम पहुंचने ही वाले हैं, सो जा सो जा।
ए दुबे, ए दुबे। अरे कुंभकर्ण है क्या? अरे दुबे उठ। अरे दुबे इका है रे। आपने कल रात क्या किया था आपको पता है? मेरा फोन वहीं पर भूल आए थे ना। इतनी रात को किसका फोन है? सर सर आपका फोन बज रहा है। कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। कौन फोन कर रहा है? हाँ? ये तो मेरे नंबर से आ रहा है। सर सर हेलो हेलो दुबे, मैं रे अपार्टमेंट में हूँ, जल्दी पहुंच। हाँ? सर 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 तब मैं समझ गया वो कौन था। चुप, दफा हो जा। जब देखो तब उठ पटांग बकता रहता है। एक काम कर, अब जल्दी जाकर तैयार हो जा। फोन चाहिए ना तुझे? सर सर डार्लिंग से बात करनी है। हुलिया ठीक कर जल्दी अपना। ठीक है सर। ये और इसकी रोज की नौटंकी। अजीब आदमी है बेवकूफ। हेलो, गुड मॉर्निंग फादर, बोलिए। गुड मॉर्निंग माया। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? क्या बोलूं, कल जिन्होंने अप्पू को गोद लिया था वो जोसेफ और मैरी की कार का कल रात एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हुआ? क्या कह रहे हैं फादर, पर कैसे हुआ? जोसेफ गाड़ी चला रहा था, कार अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई। जोसेफ और मैरी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और हमारा अप्पू कैसा है? एक्सीडेंट की जगह पर अप्पू नहीं मिला, पुलिस उसे ढूंढ रही है। हाँ? क्या करूं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो माया, ए माया, मेरा फोन मुझे मिल तो जाएगा ना सर? जरूर मिल जाएगा, डर मत, दरवाजा खटखटा। सर चाबी है मेरे पास, आप जरा रुकिए। चाबी रखना पड़ता है। हाँ? क्या चाहिए, कौन हो तुम लोग? देखिए हम लोग सर, हम इलेक्शन के लिए सर्वे करने आए हैं, आपकी कुछ डिटेल्स लेनी है, अंदर आ जाए। हाँ आ जाइए, बैठ जाइए। आपके अलावा और कौन रहता है यहाँ? मैं तो अकेला ही रहता हूँ। सर अकेले रहते हैं? तो ये कार्तिक कौन? मेरा बेटा था, 10 साल पहले मर गया। मर गया? हा? जी हाँ सर। ये खिड़की पर गद्दे क्यों टांग रखे हैं आपने? हमारी बिल्डिंग में सबको लगता है मेरा बेटा खिड़की से झांकता है, सबको डर लगता है, इसलिए सारी खिड़कियों को मैंने गद्दों से ढक दिया। सर 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 मेरा फोन। सर चाय कॉफी कुछ लेंगे आप लोग? इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसमें टाइम लग जाएगा। दूध हो या कोल्ड ड्रिंक हो तो हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है मैं लेके आता हूँ। सर लाने दीजिए। तो भी ना सर, मेरा फोन। सर आपने कहाँ रखा था बताइए। रुक सर, जल्दी बताइए ना कहाँ रखा था। शांत रह। अरे वाह, मेरा फोन मिल गया, क्या बात है, मुझे दीजिए सर। ले अपना मोबाइल, अब चल। अरे वाह। अरे चल जल्दी चल। सर 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 जरा रुकिए ना। क्या है, कुछ खा पी कर चलते हैं ना। अरे भुखड़ चल। ठीक है सर, आता हूँ चलिए। वीडियो प्ले करके देखिए सर, किसी ने दरवाजा खोला। हाँ? ये कौन है सर, ये क्या लेकर आया है? तो रुक जा, अभी देखते क्या करता है वो। सर आप देख रहे हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो रहा है।
आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे डर लग रहा है, ये वीडियो बंद कीजिए। स्क्रीन ऑफ हो गया सर। हाँ? मेरी नौकरी जाए तो भी परवाह नहीं, इस केस पर काम नहीं करना है, बंद कीजिए इसे। जैसा उस बुड्ढे ने हमसे कहा था, मुझे लगता है उसका बेटा भूत है। मामला पेचीदा लगता है। ये मामला कैसा भी हो, हमें इस पर काम नहीं करना है, छोड़ दीजिए इसे। सुन, लगता है उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। सर, अब आप क्या करने वाले हैं? सर, आपने उसे काट क्यों दिया? ये फ्लैट पक्का भूतिया है। हमारी दो दिन की मेहनत बिल्कुल बेकार चली गई, वक्त बिल्कुल कम है, पता नहीं क्या होगा, लगता है नौकरी चली जाएगी। तू एक काम कर, तू पुलिस स्टेशन जा, वहां मूर्ति मिलेगा, उसके हाथ पांव जोड़ के उससे केस की फाइल लेके आ। आप भी साथ चलिए ना सर। काहे रे, हर काम मुझे ही करना पड़ेगा, जितना कहा उतना कर जा। ठीक है। कितने केसेस हैं इस फाइल में? 3 केसेस हैं सर। ये क्या है? ये तो जमीनी मामला लगता है। ओए, तुझे खाने की पड़ी है? बच्चे के गुम होने का केस है, आप उसे देखिए ना सर। ये केस सुलझा दिए तो हम नौकरी पर बहाल हो जाएंगे सर। फादर जॉन से मिलना होगा, उनसे ही डिटेल्स मिलेगी। कॉल करता हूँ। अरे, नंबर तो नॉट रीचेबल आ रहा उनका। वहां किसी माया का नंबर है ना सर, उस पर कॉल कीजिए। माया कौन है ये? कॉल करके उससे ही पूछ लीजिए, मुझे कैसे पता होगा। हेलो, मैं कोलम स्टेशन से ईसाई बोल रहा हूँ। बोलिए सर। आपका जो बच्चा गुमशुदा है, उसकी कुछ डिटेल चाहिए मुझे। कैसी डिटेल्स, पूछिए। उस बच्चे की एज क्या है? 1.5 साल सर। 1.5 साल? नाम क्या है उसका? उसका नाम अप्पू है। ठीक है मैम, हम उस बच्चे को पक्का ढूंढ निकालेंगे। अप्पू की और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो हम आपको कॉल करेंगे। आप कोऑपरेट करना। ओके सर, प्लीज सर, आप उसे जल्दी ढूंढ निकालिए। क्या कहा सर उस माया ने? ओए, इस केस में अगर पूरी जान लगा दी ना तो हम बच्चे को खोज निकालेंगे। ठीक है सर। 2 तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। बहुत बढ़िया सर। सर चलिए ना, चलकर चाय पीते हैं। ओए, तो रुक जरा, पहले केस सॉल्व करने दे। चलिए पहले चाय पीते हैं। अरे रुक जरा सर, इसको बंद कीजिए सर, चाय रुक जाएगी। कौन है भाई ये? कितना डरावना चेहरा है देख। हाँ सर, हो ना हो इसी ने बच्चे को उठाया है। हो सकता है सर। सर इसको गोली मारिए सर, चलिए पहले चाय पीते हैं। सुन, किडनैपिंग से इसका 100% कनेक्शन है। तू एक काम कर, इसका फोटो निकाल ले।
अरे सुनो, इस आदमी को तुमने देखा है क्या? हम नहीं देखे। अच्छे से देख के बता। कभी नहीं देखे। नहीं देखा? सच बोल रहे हैं। चल चलते हैं। आहा, गर्मा गर्म समोसे हैं। ओए, यहाँ पे क्यों रुक गया? समोसे हैं सर। पहले पॉकेट की मूंगफली खत्म कर तू। चल। हेलो, मैं कोलम का एसआई बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ, बोलिए ना। सुनिए, दरअसल बात यह है कि किडनैपर की फोटो हम एक्सीडेंट स्पॉट से मिली है। क्या फोटो? कल मैं कांस्टेबल के हाथ से फोटो भेजता हूँ, देख के बताना कहीं देखा हो शायद। नहीं सर, मुझे वो अभी देखनी है। क्या आप वो फोटो अभी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं? व्हाट्सएप पे? अब ये व्हाट्सएप क्या है? हेलो, हेलो सर, हेलो। हाँ, मैं भेजता हूँ अभी। दुबे। दुबे, तेरी। ओए, उठ दुबे। अरे क्या है सर, आप चैन से सोने भी नहीं देते। ओए, ये व्हाट्सएप क्या है? जब भी सपने में गर्लफ्रेंड आती है आपको पता चल जाता है। ये फोन का ऐप है सर। ओ, ये ब्रांडेड फोन है मेरा, देख इसमें है क्या। इसके अंदर? हाँ। इससे सिर्फ कॉल कर सकते हैं। इस पर अरे रोज मैं इसी से कॉल करता हूँ, देख तो जरा सर। अरे यार, ये फोन देखिए, इसमें व्हाट्सएप है। अब बोलिए क्या देखना है। कुछ नहीं, बस जो सस्पेक्ट का फोटो लिया था। हाँ, लिया था। वो माया को अभी भेज, उसका नंबर तो दीजिए। ए दिव्या, प्लीज उठना। क्या हो गया? एसआई ने मुझे कॉल किया था। हाँ, किस लिए? उन्होंने कहा एक्सीडेंट स्पॉट से कोई अप्पू को ले गया था। कहा था ना, कोई जरूर अप्पू को संभाल कर ले गया होगा। और क्या बोला? उन्हें उसका फोटो मिल गया है। मुझे अभी व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। चेक कर आया क्या? नहीं नहीं, अभी तक नहीं आया। हाँ, भेज दिया। फोटो चली गई क्या? देखिए ना सर, भेज दिया ना। बढ़िया, पहुँचा ना? पहुँच गया सर। हाँ, दिमाग का दही कर रहा है। कौन है ये? इसे कहीं देखा है मैंने। देखा? देखने में तो डरावना है। ए जरा दिखा तो। प्लास्टिक कवर और नेल पॉलिश लेकर आ। नेल पॉलिश लाओ। जा जल्दी से लेकर आ। कहाँ रखा है? वहाँ कबर्ड में रखा हुआ है, तो जाकर देख तो। ये तो क्या कर रही है? इसको कलर क्यों कर रही है? अरे ये तो वही आदमी है। कौन सा आदमी है? मुझे पता चल गया। उस दिन कुरियर देने गई थी, याद है तुझे? हाँ याद है। वहाँ मुझे एक आदमी मिला था, वो खून वाला। हाँ, ये वही आदमी है। अप्पू को यही आदमी लेकर गया है। हेलो। हेलो, जिसकी फोटो आपने मुझे भेजी थी उसे मैंने देखा है। तुमने देखा है? कहाँ पे देखा? रे अपार्टमेंट्स में देखा है। रे अपार्टमेंट में? जी हाँ सर। फ्लैट का नंबर B2 है, थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर। अच्छा, तुम किसी दिव्या नाम की लड़की को जानती हो? स्विफ्ट कुरियर से मेरी फ्रेंड है। उसने 4 दिन पहले उस अपार्टमेंट में कुरियर पहुंचाया था। उसने नहीं सर, मैंने पहुंचाया था। वो तुम थी? हाँ सर, मैं सिर्फ कुरियर डिलीवर करने वहाँ गई थी। मेरा अप्पू जरूर उसी फ्लैट में है सर, आप चाहे तो उसे बचा सकते हैं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सुनो, मैं भी वहाँ पे गया था, वहाँ जाके पूरी छानबीन की। उस फ्लैट में एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता है। ये फोटो वाला आदमी वहाँ नहीं रहता? सर नहीं सर, मेरा अप्पू जरूर उसी फ्लैट में है। अगर आप आएंगे तो हम उसे बचा सकते हैं, प्लीज सर। अरे तुम्हें पुलिस की बात समझ में नहीं आती क्या? बोल रहा हूँ ना, मैं खुद गया था, पूरा घर देखा, कोई बच्चा नहीं था वहाँ। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, फोन रखो। उसने फोन क्यों काटा? वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कह रहे हैं कि अप्पू वहाँ पर नहीं है, एक बूढ़ा वहाँ पर अकेला रहता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? दिव्या, हम दोनों जाएं क्या वहाँ पर? क्या इस वक्त? तू जरा टाइम तो देख, रात के 12 बज गए। क्या अभी चलना है? हम जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जल्दबाजी मत कर, सो जा, सुबह सोचेंगे क्या करना है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
कौन है यार सुबह सुबह फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है? हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं मैडम? मैं माया बोल रही हूँ सर। क्या चाहिए आपको? सर एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? आप हमारे साथ चल सकते हैं सर, प्लीज सर। उस फ्लैट में मैं नहीं आने वाला मैडम। प्लीज सर, मैं पुलिस स्टेशन आ जाती हूँ। पुलिस स्टेशन में? वहाँ पर मत आना मैडम, मेरे पास उसकी चाबी है, वो मैं आपको दे देता हूँ, आप खुद ही जाइए। ओके सर। आना, तुझे पक्का यकीन है ना यही घर है? अरे हाँ यार यही है। लगता नहीं कि यहाँ कोई रहता भी है। मैंने बताया था ना एक कुल्हाड़ी गड़ी थी, यही वो जगह है। ये तो कोई भूत जैसा दिखता है। दिव्या तू उस कमरे में देख, मैं अंदर देखती हूँ। जाती हूँ। दिव्या क्या देख रही है? दिव्या कोई आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जल्दी चल। ये क्या कमरे में धुआं धुआं क्यों हो रहा है? केस नहीं सुलझा पाया, उसी के गम में जलकर मर गया क्या? लगता है चादर ओढ़ कर मर गया। सर 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 कहाँ गए? अरे बाप रे, मुझे मत मारो। ये क्या सर, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? तू कहाँ गया था? कहाँ गया था? माया को चाबी देने के लिए गया था। पर कौन सी चाबी? उस फ्लैट की चाबी। तेरा दिमाग फिर गया, उसे चाबी क्यों दी? सर क्या हुआ था आपको पता नहीं है क्या? क्या हुआ था? उसने मुझसे कहा कि वो पुलिस स्टेशन आ जाएगी, वो आ जाती तो हमारी इज्जत का फालूदा बन जाता। ना 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 ना, तूने बहुत अच्छा किया, इज्जत बचा ली हमारी, वेरी गुड। तूने खाना खाया क्या भाई? हाँ खाया ना सर, दो प्लेट बिरयानी खाई। अंडा था ना? अंडा भी था, अंडे के साथ लेग पीस भी था। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा किया तूने, बढ़िया। सर मुझे फिर से भूख लग रही है सर। भूखड़ पेटू कहीं का। तू बोल रही थी कि तुझे उस घर में कुछ मिला है? हाँ ये देख। ये क्या है, पहचाना नहीं तूने? इस पे तो खून लगा है। ऑर्फनेज का एनवलप है, फादर जोसेफ के दिए लेटर का एनवलप। एक मिनट इसे देख। ये तो अप्पू के लिए खरीदी हुई ड्रेस है। हाँ वही, इस पे तो खून लगा है। तभी तो कह रही हूँ अप्पू और उस फ्लैट में जरूर कोई लिंक है, मैं तब से कह रही हूँ।
हाँ तुम सही थी, हमें ये सबूत पुलिस को दिखाना होगा, तभी वो लोग मानेंगे। हेलो। हेलो सर। क्या है, क्यों बेवजह फोन करके परेशान कर रही हो? सर मैं उस फ्लैट में गई थी। उस फ्लैट में क्यों गई थी तुम? आपके कांस्टेबल ने मुझे की देकर हमारी बहुत हेल्प की थी सर। मुझे यकीन है अप्पू उसी घर में है। तुमने कहा और मैं मान लूं? एविडेंस है तुम्हारे पास? एविडेंस मिला है सर, ऑर्फनेज से आए लेटर का एनवेलप मुझे वहाँ मिला है। लेटर ही नहीं बल्कि अप्पू की ड्रेस भी मुझे वहाँ से मिली है, और उस पर बहुत सारा खून लगा है सर। क्या खून? ये कैसे हो सकता है? ठीक है, कल कांस्टेबल को भेजता हूँ, उसके पास सारे सबूत सौंप देना तुम। नहीं सर, कल नहीं, मैं अभी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देती हूँ सर। व्हाट्सएप पे लग गई बात। ठीक है, उसी नंबर पे फौरन सबूत भेज दो मुझे। ओके सर, थैंक यू सर। दुबे, लड़की बोली उसे सारे एविडेंस उसी फ्लैट से मिल गए हैं, और यही नहीं उसे पक्का यकीन है कि वो बच्चा उसी घर में है। वो बोली कि एविडेंस अभी व्हाट्सएप पे भेजेगी, चेक कर कुछ आया क्या? अभी तो कुछ नहीं आया सर। दुबे, टाइम लग सकता है, थोड़ी देर बाद चेक कर ले। ठीक है सर। मैंने भेज दिया सर। ये क्या है सर? बत्तीसी क्यों दिखा रहा है सर? वो लड़की आपको उल्लू समझती है। क्या सर? हुआ? अरे कुछ बताएगा सर, वो बैल की सींग भेजी है सर, देखिए जरा दिखा सर। हाँ यार सर, हाँ ये तो बैल की सींग है दुबे। सर वो लड़की हमें उल्लू समझ रही है सर, उसकी बातों में मत आइए। लाइए फोन, चुपचाप सो जाइए, आराम से सो जाइए सर। पर वो तो पूरे यकीन से कह रही थी। सर एविडेंस की फोटो भेज दिए थे आपको, मिले ना सर? मैडम आप पागल हो क्या? एक तो आधी रात को फोन करके बोले कि आपके पास एविडेंस है, और ये खोपड़ी भेज दी? मुझे दोबारा कॉल मत करना वरना मेरी खोपड़ी सड़क जाएगी। रखो फोन। क्या हुआ माया? पता नहीं क्या हुआ, हमने तो एविडेंस सेंड किए थे, पर उन फोटोज की जगह उन्हें बैल के सिंह के फोटोज मिले हैं। बैल के सिंह? बहुत गुस्से में थे। तूने तो करेक्ट भेजे थे, जरा फिर से चेक करना। बैल के सिंह ही है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है माया।
मुस्कान मन में भर दी, मासूम सा तू खुदा, मुझको प्यार की बारिश में भिगा दिया। जिंदगी फिर से जी है उठी, फिर से चाहे मन गाए, तुमने हंसना फिर से सिखा दिया। पे बरसाने खुशियां लुटाने, आई दुनिया में लेके बदलाव नया, बादलों से घूमते रहे, दुनिया भर में उड़ते रहे, रंग कई है देखे, सपनों को हम फिर से आओ रंगे जरा, तुम ही सब मेरा, तुम जान तुम जहां, तुम ही सब मेरा, तुम जान तुम जहां। अच्छी है ना? मैं जरा ट्राई करके आती हूँ, तू भी देख ना, कुछ पसंद आता है तो देख, वो अच्छी है। दिव्या, क्या हुआ? दिव्या रुक ना, मैंने अभी उस आदमी को देखा, वो अपू को साथ ले जा रहा है। दिव्या बस दो मिनट, बच्चे को कहाँ छुपाया? कौन सा बच्चा? और आप नाटक हैं कौन? मत करो, अप्पू था तुम्हारे साथ। अरे कोई बच्चा नहीं है मैडम, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर। झूठ मत बोलो, मेरा अप्पू यहीं पर है। कौन बच्चा? आप कहाँ घुसे जा रही हैं अंदर? घर में वो तुम्हारे साथ था, मैंने देखा है। आप मेरी बात मानिए, अंदर कोई नहीं है। हट जाओ, देख लेना मुझे। रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं अंदर? रुकिए, अंदर कहाँ घुसी आ रही है? मैंने कहा ना हट जाओ। जबरदस्ती मत कीजिए, रुक जाइए। किस बेसिस पर आप कह रही हैं कि यहाँ पर कोई बच्चा है? ये देख रहे हो, ये ऑफनेज का लेटा और ये है मेरे बच्चे की ड्रेस, ये दोनों चीजें मुझे इसी घर से मिली हैं। अब आप पहले मेरी बात तो सुन ली। मेरा बच्चा बाबू, अब क्या बोलोगे तुम कि मेरा बच्चा यहाँ नहीं है? पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए मैडम, एक बार। उस दिन मेरी माँ की 16वीं बरसी का दिन था,
पूजा का सामान खरीदने के लिए और तैयारियां करने के लिए मैं बाजार चला गया। मेरा बाप एक अय्याश आदमी था। उस दिन भी उसने घर पे एक औरत को बुलाया था। अपनी हवस बुझाने के लिए उसने माँ की पूजा की साड़ी उठाकर उस औरत को दे दी। उसने जो अपमान किया था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मां का लाडला था। से हर रात 12 बजे मेरे बाप की आत्मा मुझे मारने की कोशिश करने लगी। उसी दौरान एक दिन मुझे ये बच्चा मिला और इसके मिलने के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे सही रास्ते पर आने लगी। लेकिन मेरे बाप की आत्मा ने मुझे मारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने इस बच्चे के जरिए हमेशा मुझे बचाया। कुछ दिनों बाद मैंने अपने बाप की लाश को जला दिया। मेरी माँ है ना, इस बच्चे के रूप में इस घर में आई, इसलिए अपने पूरे घर को मैंने बच्चे के हिसाब से बिल्कुल नया रूप दे दिया। बच्चे के, मेरा मतलब है माँ के साथ मैं खुश हूँ। अब ये बच्चा और मैं एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ही अटैच हो चुके हैं। ये बच्चा यहाँ मेरे साथ बहुत ही खुश है। आप इसे यहाँ से ऐसे ले जाएंगी तो ये बहुत रोएगा और मुझे भी बहुत तकलीफ होगी। आप सिर्फ 10 मिनट रुक जाइए, वो अभी सो जाएगा और जैसे ही सो जाएगा आप उसे ले जाइएगा। हेलो। हेलो, बोलिए, क्या हुआ? सर वो मानी नहीं, फिर से उस फ्लैट में चली गई। सर कितनी बार कहा वो घर भूतिया है, पर वो मानती क्यों नहीं है? दोपहर को 3 बजे गई थी पर अब तक नहीं लौटी वो। ठीक है, घबराओ मत, मैं देखता हूँ। ओके सर। दुबे वो वहाँ फिर से पहुँच गई। आप उस लड़की की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। वो हमेशा उसी फ्लैट की बात करती है, उस फ्लैट में कुछ तो है। सर उस भूत वाले घर का वीडियो मत देखिए। अरे डरपोक दुबे, जरा चुप कर। दुबे जरा इधर देख, ये देख, इसमें हम दोनों ही हैं। उस दिन हमारे साथ वो बुड्ढा भी था ना सर? पर इसमें तो नहीं है, हम दोनों ही हैं। सर अब हम लोग क्या करेंगे सर? हाँ, यानी वो बुड्ढा भूत है, लड़की तो गई। मैडम मुस्कान मन में भर दी, मासूम सा तू खुदा, मुझको प्यार की बारिश में भिगा दिया। जिंदगी फिर से जी है उठी, फिर से चाहे मन गाए, तुमने हंसना फिर से सिखा दिया।
दर्द में सुकून है तो रब का प्यारा रूप है तो उदासी में खुशी बन के आई हो तुम सांसों की सदा सारे ही घाव भर जाए जब कभी तू मुस्काए दोस्त है तू सच्चा तुमने हारे मन को जीत ही लिया किस्सा तू मेरा रूहे हिस्सा तू मेरा किस्सा तू मेरा रूहे हिस्सा तू मेरा आई है तुमा बन के स्नेह मुझ पे बरसाने खुशियां लुटाने आई दुनिया में लेके बदलाव नया बादलों से घूमते रहे दुनिया भर में उड़ते रहे रंग कई है देखे सपनों को हम फिर से आओ रंगे जरा तुम ही सब मेरा तुम जान तुम जहां तुम ही सब मेरा तुम जान तुम जहां